तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने यही डिसाइड किया था हम नेटवर्क एक्सेस यूज केसेस की तरफ बाद में जाएंगे, पहले डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म करते हैं। तो डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूज केस है ये है क्या? ऑब्वियसली हमने इसको मैनेजमेंट प्लेन ट्रिपल ए का नाम भी दिया हुआ है। डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन यूज केस में आपके नेटवर्क में राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, फायरवॉल्स हैं, लोड बैलेंसर्स हैं और सिक्योरिटी की और डिफरेंट गियर्स लगे हुए हैं। इन सब को हम अपना आईटी इंफ्रा कहते हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में डिवाइसेस जो लगी हुई हैं उनकी नौइयत, उनका रोल डिफरेंट डिफरेंट होता है। और वन मैन शो तो होता नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर्स का कि पूरी कंपनी का एक ही एडमिन है और वही इन तमाम डिवाइसेस में जरूरत के वक्त कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है, ऐसा तो नहीं होता। लार्ज स्केल मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशंस में तो बेतहाशा एडमिन्स होते हैं और उन एडमिन्स के रोल्स डिफाइंड होते हैं। एज एन एग्जांपल, किसी कंपनी में लेयर टू स्विचेस का एडमिनिस्ट्रेटर और उसकी टीम बिल्कुल अलग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस के एडमिनिस्ट्रेटर और उनकी टीम बिल्कुल अलग होगी, राउटर्स या वैन की एडमिन टीम अलग होगी, फायरवॉल्स की टीम अलग होगी। बहुत बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा ही होता है, क्योंकि आप एक सेंट्रलाइज टीम रख के आप उसको यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि भाई तुम ही स्विच लेयर टू भी देखोगे, तुम ही वाईफाई भी देखोगे, तुम ही डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस और कोर स्विचेस भी देखोगे, वैन भी तुम ही देखोगे। दे कैन नॉट हैंडल द अमाउंट ऑफ डेली टास्क, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हर रोज बेतहाशा काम आए होंगे जो लेयर टू स्विच के रेलेवेंट होंगे, बेतहाशा काम आए होंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे चेंजेस के रेलेवेंट होंगे। तो मेक एंड ब्रेक तो चल रहा होगा, लिहाजा यू विल हैव डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स फॉर ईच एंड एवरी गियर, ऐसा हो सकता है। और इसी के लिए आई इसकी डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन बनी हुई है। इस पिक्चर में आपको ये दिखाया जा रहा है कि नेटवर्क एडमिन हैं अगर तो उनको राउटर, स्विच और लोड बैलेंसर की एक्सेस दी हुई है, बट अगर वो टेलनेट करेंगे फायरवॉल को तो फायरवॉल में नहीं लॉगिन होंगे। रिमेंबर, ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये सब के सब नैड्स हैं, दीज आर ऑल नैड्स एंड ऑल ऑफ दीज नैड्स विल बी टॉकिंग टू आइस फॉर मैनेजमेंट प्लेन ट्रिपल ए। और आइस के साथ तो जो आईडी स्टोर है उसके अंदर एक यूजर बना होगा, फॉर एग्जांपल यूजर टेस्ट। अब ये यूजर तो यहाँ पड़ा हुआ है, इसका पासवर्ड भी इसके साथ कॉन्फ़िगर्ड है, लेट्स से ABC123*। अब कोई शख्स एक्सेस करे इस डिवाइस को। अब अगली बात ये है कि एक्सेस कैसे करे, एक्सेस ऐसे करे, रिमेम्बर हम डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो जो ये यूजर है जिसने एक्सेस करना है इस डिवाइस को, वो उसने टेलनेट से करना है, SSH से करना है या सीरियल से करना है, कॉमा यहाँ पर HTTP भी ले आइए या HTTPS, क्योंकि GUIs में तो हम इसी से लॉगिन होते हैं ना। सो इन अदर वर्ड्स मैनेजमेंट प्लेन को हिट किया जा रहा है। तो हमारा ये यूज केस है। इस यूज केस के तनाजर में ये तमाम NAD आइस में एडेड हैं। ऑब्वियसली वो सब TACX प्रोटोकॉल के जरिए आइस से मुखातिब हैं। नेटवर्क एडमिन ने राउटर को टेलनेट किया या SSH किया, वो गया आइस के पास। आइस ने कहा यूजर नेम बताओ, इसने कहा यूजर नेम टेस्ट, पासवर्ड ABC123*। आइस ने कहा ठहरो मुझे कंडीशन मैच करने दो, मुझे अपने पॉलिसी सेट देखने दो, पॉलिसी सेट के अंदर मुझे ऑथ पॉलिसी में एक रूल पकड़ने दो, फिर मुझे पता चलेगा तुम्हें मैंने ऑथेंटिकेट कहाँ से करना है। वहां पे जाके मैं देखूंगा कि तुमने जो यूजर नेम पासवर्ड दिया है वो मैच करता है। हाँ मैच कर गया, फिर मैं देखूंगा कि ऑथराइजेशन पॉलिसी क्या कहती है उसकी, ऑथ जी क्या कहती है, वो कहती है कनेक्ट होने दो और उसको सारी कमांड्स की इजाजत दे दो, तो वो हो जाएगा कनेक्ट।
इस राउटर के साथ। बट यही यही शख्स जो नेटवर्क एडमिन है ये फायरवॉल को टेलनेट करता है, ये SSH करता है, ये फायरवॉल टेकएक्स के जरिए आइस के पास जाती है। आइस ने इसको कहना है कि यूजर नेम पासवर्ड बताओ, उसने इस दफा भी यही बोला मेरा यूजर नेम टेस्ट पासवर्ड 123 star ABC 123 star। आइस ने देखा अच्छा पॉलिसी सेट ऑथेंटिकेशन रूल आईडी टेस्ट यूजर नेम ABC 123 पासवर्ड है 123 star। अच्छा ऑथेंटिकेशन तो पास हो गई है जनाब, आप इस पर आए हैं आपकी ऑथेंटिकेशन पास है क्योंकि यूजर तो पड़ा हुआ है और पासवर्ड आपने ठीक दिया है तो ऑथेंटिकेशन तो पास है। अब देखते हैं कि जिस नैड से ये आया है या जिस डिवाइस से ये आया है उसकी ऑथराइजेशन पॉलिसी क्या कहती है। तो ऑथराइजेशन पॉलिसी बोलेगी नहीं, नेटवर्क एडमिन है ये, इसको फायरवॉल में लॉगिन होने की इजाजत नहीं है, लिहाजा वही यूजर जो ऑथेंटिकेटेड है ही इज वेरी मच देयर इन आइस डेटाबेस बट उसको इस प्रोडक्ट के ऊपर कनेक्ट होने की परमिशन ऑथराइजेशन के मसल की वजह से नहीं दी जाएगी। तो ऑथेंटिकेशन तो उसकी इस केस में भी हो गई थी और इस केस में भी हो गई थी, ऑथराइजेशन नहीं हो रही। एंड लाइकवाइज जो हेल्प डेस्क का एडमिन है जिसने बेसिक बेसिक टास्क करने हैं उसको हमने फायरवॉल के भी राइट्स दिए हुए हैं बट वो जब फायरवॉल में जाएगा तो उसको ओनली सर्टेन शो कमांड्स आर अलाउड, हेल्प डेस्क वाले को ओनली सर्टेन शो कमांड्स आर अलाउड। उसको फायरवॉल की भी परमिशन मिल गई है बट फायरवॉल में जाके चला सिर्फ शो कमांड सकता है, क्योंकि अगर कोई हेल्प डेस्क वाले को कहते हैं मेरी ईमेल नहीं चल रही तो वो देखना चाहेगा कि ACL में परमिटेड है कि नहीं ईमेल फायरवॉल पे जाके, बट उससे आगे वो ACL छेड़ मत सके हेल्प डेस्क वाला। सिक्योरिटी एडमिन है, उसके पास फायरवॉल मैलवेयर IPS IDS इन सब की एक्सेस है फुल, लेकिन ये शख्स अगर राउटर स्विच में लॉग इन होने की कोशिश करेगा तो वही हाल होगा इसका जो नेटवर्क एडमिन का हुआ था फायरवॉल में आती दफा। तो ये वो पूरा का पूरा यूज केस है जो आइस का डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन का पहलू है। तो डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन को करने के लिए आपको फिर एक चीज चॉक आउट करनी पड़ती है, आपको एक प्लान बनाना पड़ता है, उस प्लान में जाहिर है आपके जो यूजर्स हैं। अब अगेन ये जो यूजर्स नजर आ रहे हैं इनको इंटरनेट के यूजर्स या ईमेल के यूजर्स मत समझिएगा, ये वो यूजर हैं जो टर्मिनल यूजर्स हैं जिन्होंने टेलनेट SSH वगैरह वगैरह करना है। जब तक हम डेटा प्लेन में दाखिल नहीं हो जाते हमारा यूजर वही है जिसने स्विच राउटर फायरवॉल को टेलनेट SSH करना है, हम उसको यूजर कह रहे हैं। तो यूजर के पहले आप रोल्स डिवाइड करेंगे, आप सोचेंगे कि कितनी तरह के रोल्स होने चाहिए, आप काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी पॉलिसी ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि उनको कैसे कैसे ऑथेंटिकेट करना है, यानी जो यूजर आएगा उसको ऑथेंटिकेट एक्टिव डायरेक्टरी से करना है, हेल्प डेस्क आएगा, नेटवर्क एडमिन आएगा, सिक्योरिटी एडमिन आएगा, AD से ऑथेंटिकेट करना है, और AD से ऑथेंटिकेट करने के बाद हेल्प डेस्क वालों को इजाजत है राउटर्स में जाने की, नेटवर्क एडमिन को जाने की स्विचेस में इजाजत है, सिक्योरिटी एडमिन को फायरवॉल में जाने की सिर्फ इजाजत हो। आप ये क्राइटेरिया सोचेंगे, आप चाहें तो दरमियान में लोकेशन की कंडीशन डाल लेंगे, कंडीशंस तो अब हमने पढ़ ली हैं कुछ, हमें उसका एक आइडिया बिल्ड हो गया। तो ये तमाम चीजें मिल करके एक क्राइटेरिया बनेगा और उसकी बेस पर फिर हम प्रिविलेजेस और परमिशंस डिसाइड करेंगे कि किसको फुल CLISS है, किसको रीड ओनली प्रिविलेजेस है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये एक पूरा हमारा डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन का एक यूज केस को लेकर के चलने का एक डिजाइन होगा, एक फ्लो होगा। डिवाइस एडमिन का जो पॉलिसी आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि आइस में रिक्वेस्ट आती है फ्रॉम अ नैड, ऑब्वियसली ये जो रिक्वेस्ट आएगी ये टेकएक्स पे आएगी, तो पॉलिसी सेट्स देखे जाएंगे, मल्टीपल पॉलिसी सेट पड़े हुए हैं, ये फनल एक पॉलिसी सेट है, तो किस फनल में आपको भेजना है वो उस फनल की कंडीशन शुरू में देख लेगी कि आप इस फनल के अंदर जा सकते हैं कि नहीं। कंडीशन मैच होने के बाद आप ऑथेंटिकेशन पॉलिसी के हवाले हो जाएंगे और ऑथेंटिकेशन पॉलिसी की भी अपनी एक कंडीशन है, हर रूल पर एक कंडीशन है।
ऑथेंटिकेशन पॉलिसी ने अगर आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया तो आप ऑथराइजेशन पॉलिसी के हवाले हो जाएंगे। तो आप देखिए चीजें नैरो होती जा रही हैं, टाइट होती जा रही हैं। उस कंडीशन को मैच करने के बाद ऑथराइजेशन रूल इन्वोक होगा और वो हतमी यस या नो करेगा और आपको प्रिविलेजेस और परमिशंस एलोकेट हो जाएंगी। और वो क्या कुछ आप कर सकते हैं, वो कुछ लिमिटेड चीजें होंगी जिनका आपको इस फनल में से गुजरने की इजाजत होगी। आप तो चाहेंगे कि मैं ये भी करूं, मैं ये भी करूं, मैं ये भी करूं, ख्वाहिशात तो बहुत होंगी, लेकिन वो इस पूरे में से गुजरेंगी तो फिर आगे जाके बात बनेगी। अलाउड होंगी तो जाने दी जाएंगी, वरना फिल्टर आउट हो जाएंगी। तो मल्टीपल फिल्टर्स में से आपकी रिक्वेस्ट गुजर रही है। इसमें पॉलिसी सेट की कंडीशंस हैं, उसमें अलाउड प्रोटोकॉल है, नेटवर्क डिवाइस ग्रुप्स का रोल है, पैकेक्स के एट्रीब्यूट्स हैं, मुख्तलिफ नेटवर्क एंड टाइम कंडीशंस हो सकती हैं। ये अब 2.7 में ऐड हुई हैं। ऑथेंटिकेशन पॉलिसी कंडीशंस आ जाएंगी, पॉलिसी के रूल की कंडीशन, फिर ऑथराइजेशन पॉलिसी की कंडीशन आ जाएंगी। हमने हतमी तौर पे आज कुछ नया कन्फिगर नहीं किया, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की आज। लेकिन अब जो है वो बस बात पहुंच गई है उस कॉन्फिग्रेशन की तरफ जो कि हमें डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के पहले यूज केस के लिए करनी है। तो पॉलिसी सेट, उसमें डिवाइस एडमिन और नेटवर्क एक्सेस, उसकी कंडीशन हमने देखी और आज हमने रिव्यू किया ऑथेंटिकेशन पॉलिसी, हमने रिव्यू किया ऑथराइजेशन पॉलिसी का फ्रॉम बोथ नेटवर्क एक्सेस एंड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन परस्पेक्टिव। तो हमने पॉलिसी की जो हायरार्की है उसको स्टडी किया बेसिकली। अब क्योंकि हम NAD को ऐड करना कर रहे हैं, NDGs कर रहे हैं, तो हमारा आइस के अंदर डिवाइस को ऐड करने वाला काम तो हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हमने स्ट्रेट अवे स्टार्ट करना है आइस की डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज। ये यूज केस अब हमें प्रैक्टिकली करना है। वी हैव टू स्टार्ट using our knowledge base जो हमने आज build की है और अब तक build की है, उसको अब हमने यहाँ से एक take off देना है। ये वो अब जगह आएगी जहाँ पर अब हम NAD भी add हुआ है, NAD TechX पे add भी है, NAD पर कोई आकर अब telnet करे तो उस NAD को TechX के जरिए आइस से पूछना है तो hit आ जाएगी। उस hit को फिर आगे किस तरह policy hierarchy में trickle down करके हमने अपने किसी रूल से या किसी पॉलिसी सेट से उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है और फिर ये फीलर लेना है कि वो स्विच में चला गया है या नहीं चला गया, या iOS में कनेक्ट हो गया या नहीं हुआ।